वेलकम बैक फ्रेंड्स, एलिमेंटर कंप्लीट कोर्स में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे कि हम इमेज बॉक्स कैसे ऐड करते हैं और इमेज बॉक्स क्या काम करता है, तो आज वो सीखेंगे। अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद पेजेस पे आए, पेजेस पे कंट्रोल दबाकर क्लिक करें ताकि न्यू टैब में ओपन हो जाए। न्यू टैब में ओपन होने के बाद आपको जिस भी पेज में ऐड करने हैं इमेज बॉक्स को यूज़ करना है तो आप उस पेज को एडिट करें। मैं जो है होम पे करना चाहता हूँ तो एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं, यानी एलिमेंटर के बेसिक तमाम हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे जर्नल के बारे में। ये जो प्रो की है ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करेंगे और वो बिल्कुल आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो आज जो है हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे जो हमें एलिमेंटर फ्री में प्रोवाइड करता है। तो जर्नल में जितने भी चीज़ें आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कि हम इमेज बॉक्स का यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है दो या तीन चार कॉलम जितने भी आपको चाहिए वो आपकी मर्जी। मैं जो है यहाँ से दो सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है नाइन डॉट पे क्लिक करता हूँ और नाइन डॉट पे क्लिक करने के बाद मैं जो है यहाँ से जनरल में इमेज बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और आप देख सकते हैं एक इमेज और इमेज के नीचे यहाँ पर हेडिंग और हेडिंग के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन। अगर आपको चाहिए है तो आप इमेज बॉक्स का यूज़ करेंगे। इमेज बॉक्स का यही काम होता है, आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि इमेज होती है, इमेज के नीचे हेडिंग और हेडिंग के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो कैसे ऐड करते हैं आज वो सीखेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं अपलोड इमेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कुछ इमेज ऐड करता हूँ और यहाँ से जो है मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ जो इमेज मुझे चाहिए। यहाँ से आप जो है अनस्प्लैश से डेमो के लिए या प्रैक्टिस के लिए इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ से इन इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबाकर इन दो को इमेज को भी सेलेक्ट करें, उसके बाद ओपन पे क्लिक करें और उसके बाद मैं इस इमेज को यहाँ से इंसर्ट मीडिया पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं हमारी एक इमेज ऐड हो चुकी है। अब इमेज की साइज़ जो है यहाँ से फुल पे सेलेक्ट है। अगर आपको थंबनेल चाहिए तो आप थंबनेल पे क्लिक करें, अगर आपको मीडियम लार्ज चाहिए तो आप मीडियम लार्ज पे क्लिक करें, लार्ज पे जो भी चाहिए आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ से जो ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं डमी के लिए ऐसे ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं और टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लिंक देना है इस पर तो आप लिंक भी देख सकते हैं। इमेज पोजीशन क्या होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए या राइट होनी चाहिए, वो आपकी मर्जी है। यानी अगर आपको इस तरीके से शो करना है इमेज यहाँ पर और हेडिंग और नीचे डिस्क्रिप्शन तो आप कर सकते हैं। मैं जो इमेज को टॉप पे शो करना चाहता हूँ। उसके बाद टाइटल एचटीएमएल टैग, यानी टाइटल का हेडिंग क्या होना चाहिए, कितना H1 या H2 वो आपकी मर्जी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टाइटल जो है थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आप आएंगे स्टाइल पे और स्टाइल पे आने के बाद अगर आपको स्पेस देना है इमेज और हेडिंग के दरमियान में तो आप वो भी दे सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं स्पेस भी हम दे सकते हैं, जितनी स्पेस आपको चाहिए आप वो दे सकते हैं। विड्थ कितनी देनी है, यानी आपको इमेज की विड्थ कितनी देनी है आप वो बढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बॉर्डर रेडियस क्या होना चाहिए आप इमेज का वो भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बॉर्डर रेडियस कैसे हो चुके हैं इमेज के। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आपको हवर एनिमेशन चाहिए तो आप वो भी दे सकते हैं, यानी इमेज के ऊपर कोई अगर माउस लाए तो वो हवर में क्या एनिमेशन होना चाहिए। उसके बाद CSS फिल्टर है, अगर यहाँ से क्लिक करेंगे आपको कलर ब्राइटनेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है, ये चीज़ों तो आपको समझ में आ रही होगी। ब्लर करना है तो ये तमाम चीज़ें भी आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से और इसके अलावा ओपेसिटी आकार आपको चाहिए या कम करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ से ट्रांजिशन ड्यूरेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। उसके बाद जो है कंटेंट पे क्लिक करेंगे और कंटेंट में जो ये नीचे हमारा जितना भी कंटेंट है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, यानी अलाइनमेंट क्या रखना चाहते हैं टाइटल का या डिस्क्रिप्शन क्या रखना चाहते हैं आप वो
मतलब किस साइड पे करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट चाहते हैं या मिडल चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करने हैं, वो आपकी मर्जी है। और उसके अलावा मैं टॉप पे ही चाहता हूँ, टॉप पे ही रहने दें। और उसके अलावा टाइटल में स्पेसिंग देना चाहते हैं यानी डिस्क्रिप्शन नीचे चली जाए तो ऊपर चली जाए, वो आप कर सकते हैं। कलर आप क्या रखना चाहते हैं, आप कलर भी इजीली रख सकते हैं, जो कलर आप रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी। और उसके अलावा जो टाइपोग्राफी पे आप क्लिक करेंगे तो टाइपोग्राफी पे आप जो है फाउंट फैमिली चेंज कर सकते हैं, यानी रोबोटो होना चाहिए, पॉपिंस होना चाहिए, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ क्या होना चाहिए, आप इसका साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। वेट क्या होनी चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, जो होना चाहिए, आप ये तमाम चीज़ें एक एक करके चेक कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आप कलर क्या रखना चाहते हैं यानी डिस्क्रिप्शन का, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और उसके अलावा जो है यहाँ से टाइपोग्राफी इसका भी कर सकते हैं यानी डिस्क्रिप्शन का, तमाम चीज़ें, फाउंट फैमिली साइज़ वगैरह, वेट क्या रखना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर भी चाहिए तो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करें, या आप जो है इसको कॉपी करके यहाँ से ड्रैग करके आप इमेज, दूसरी इमेज भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट करके, और वो तमाम काम आप इजीली कर सकते हैं। जितनी भी इमेज चाहिए तो आपको कॉलम सेलेक्ट कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।